हाय दोस्तों, मेरा नाम है मनीष भरपूर और मैं आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जिसे सुन के आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम आज की कहानी। एक बार भगवान विष्णु सेज नाग पे बैठे बैठे बोर हो गए थे, तभी उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं थोड़ा पृथ्वी में जाके चक्कर लगा के आ जाऊँ। तभी माँ लक्ष्मी आई और भगवान विष्णु ने उनको कहा कि मैं थोड़ा पृथ्वी पे घूमने जा रहा हूँ। तो माँ लक्ष्मी ने कहा कि मैं भी आपके साथ चलती हूँ स्वामी। तब भगवान विष्णु ने कहा ठीक है देवी, तुम भी मेरे साथ चलो, लेकिन पहले मुझसे एक वचन दो कि तुम मेरे साथ छोड़ के पृथ्वी पे कहीं जाओगी नहीं और हर वक्त मेरे साथ ही रहोगी पृथ्वी पे, और वहां से कोई भी चीज तुम लेके नहीं आओगी अपने साथ में। माँ लक्ष्मी ने कहा हाँ स्वामी, मैं आप वचन देती हूँ कि मैं पृथ्वी से कोई भी चीज नहीं लाऊंगी और आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। तो भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी निकलते हैं पृथ्वी की ओर। जब माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु पृथ्वी पे जाते हैं तो वहां पे देखते हैं वो तो बहुत सुंदर सुंदर घने जंगल, बहुत अच्छे अच्छे खूबसूरत पहाड़। तभी माँ घूमते घूमते माँ लक्ष्मी की नजर एक बगीचे पे पड़ती है। वो बगीचा इतना खूबसूरत रहता है कि माँ लक्ष्मी उस बगीचे को देख के मगन हो जाती है और वो भगवान विष्णु का साथ छोड़ के और उस बगीचे की ओर बढ़ने लगती है। तभी भगवान विष्णु चारों तरफ देखते माँ लक्ष्मी नजर नहीं आती है, तो भगवान विष्णु वापस अपने सिंहासन पे लौट जाते हैं शेषनाग पे। तब माँ लक्ष्मी को अचानक ख्याल आता है और वो देखती है तो भगवान विष्णु नजर नहीं आते हैं। तो माँ लक्ष्मी सोचती है भगवान विष्णु अपने सिंहासन पे गए होंगे, तो वो भी जाती है। लेकिन जाते जाते माँ लक्ष्मी ने एक सुंदर सा कमल का फूल उस बगीचे से तोड़ लेती है और वो जाती है भगवान विष्णु के पास। तभी भगवान विष्णु के पास जाके बोलती है स्वामी, आप मुझे अकेली को पृथ्वी लोक पे छोड़ के आ गए, देखिए मैं कितना सुंदर कमल का फूल लेके आई। तभी भगवान विष्णु बोलते हैं देवी, तुमने अपना वचन तोड़ा है और दूसरी बात कि तुमने एक कमल का फूल की चोरी की है। अब चाहे अपना हो या कोई भी, सजा तो उसे मिलनी है। तभी माँ लक्ष्मी बोलती है ठीक है स्वामी, आप जो भी सजा दोगे मुझे मंजूर है। तब भगवान विष्णु बोलते हैं कि जिस किसान के बगीचे से तुमने ये कमल का फूल तोड़ के लाए हो उसी किसान के घर तुम्हें 3 साल रहना है। माँ लक्ष्मी बोलती है जैसी आज्ञा स्वामी। और माँ लक्ष्मी एक गरीब औरत का भेष बना के और उस किसान के घर जाती है और उस किसान के घर पे जाके बोलती है कि मैं एक बहुत गरीब औरत हूं, मेरा कोई सहारा नहीं है, मुझे अपने खेत में काम दे दो, कोई भी काम दे दो चलेगा, तो मैं आपके यहीं पे काम करूंगी और किसी कोने में जगह दे देना, पड़ी रहूंगी। तब किसान बहुत दयालु और नेक इंसान होता है, तो वो बोलता है कि मेरे 3 बेटियां हैं, चौथी तुम सही, हम जो सूखा पाका खाएंगे वो तुम्हें भी खिलाएंगे, और उसे वहां पे आसरा दे देते हैं। जब माँ लक्ष्मी उनके घर में जाती है तो धीरे 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 किसान के बहुत ही धनी होने लगता है। किसान धीरे धीरे उसके एक अच्छा सा घर बन जाता है, वो गाय ले लेता है, उसके नौकर चाकर काम करने लगते हैं, धीरे धीरे वो किसान बहुत धनी हो जाता है। तभी किसान सोचता है कि जब से ये औरत मेरे घर पे आई है तब से मैं बहुत धनवान हो गया हूँ, जरूर ये कोई लक्ष्मी का अवतार ही है। तब तक माँ लक्ष्मी के 3 साल पूरे होने को आए थे। तब माँ ने सोचा कि चलो मैं चलती हूँ। तो वो जैसे ही उसके असली रूप में आती है और किसान की नजर पड़ती है, तभी किसान बोलता है माँ लक्ष्मी, हमने आपको अपने खेतों में काम कराया, हमने आपको, हमें माफ कर दो माँ। तभी माँ लक्ष्मी बोलती है कि नहीं, तुमने मुझे यहाँ पे बहुत सम्मान दिया है, अपनी बेटी की तरह रखा है मुझे, मैं हमेशा उस आदमी के साथ रहती हूँ जो एक दयालु हो और नेक इंसान हो। तो दोस्तों हमेशा नेकी और दयापन अपने साथ रखें। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर जरूर करें। ओके दोस्तों, धन्यवाद।
और ये चैनल आपको ऐसा ही एहसास देता रहेगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो जल्दी से कर लो और नोटिफिकेशन के बेल आइकन पे क्लिक कर लो। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो और एक अच्छे विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।